लव जिहाद, ये दो शब्द पिछले कुछ सालों में आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन इन दो शब्दों के पीछे कितनी झूठ और हिंसा से भरी अनगिनत कहानियां हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। ये अनगिनत कहानियां जिनमें शहर किरदार बदले जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो नाम और पहचान बदलकर मिलने का तरीका, प्यार के नाम पर ब्लैकमेल, बलात्कार और फिर धर्मांतरण का खेल। ये साल 1992 था जब अजमेर की सोफिया गर्ल्स स्कूल की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाकर न सिर्फ उनका सामूहिक रेप किया गया, बल्कि उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी फ्रेंड, भाभी, बहन तक लाने के लिए कहा गया। इस तरह इस केस में एक के बाद एक सैकड़ों लड़कियां जुड़ती चली गईं और इस केस के मुख्य आरोपी रहे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, तीनों अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम के रिश्तेदार, वंशज तथा कांग्रेस यूथ लीडर भी थे। लेकिन अगर आपको लगता है ये सालों पुरानी बात है तो पिछले कुछ दिनों की खबरों पर नजर डालते हैं। हरदोई के शकील, इमरान और नूर आलम ने नाम और धर्म बदलकर युवतियों से दोस्ती की, फिर नौकरी के बहाने तीनों लड़कियों को लखनऊ बुलाया। यहां 9 युवकों ने उनसे रेप की कोशिश की। हरदोई के कमर अली ने अंकित वाजपेयी पत्रकार के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई। इसके जरिए उसने एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अश्लील फोटो खींचकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। छत्तीसगढ़ स्थित दुर्ग से कांग्रेस के पूर्व विधायक बदरुद्दीन कुरैशी के बेटे पर एक लड़की ने 10वीं क्लास में रेप करने, झूठ बोलकर निकाह करने, जबरन गर्भपात करने और अंत में छोड़ देने का आरोप भी लगाया। हरियाणा के पानीपत से 25 साल की विधवा से निजामुद्दीन गोल्डी नाम रखकर मिला, बाद में उसके साथ मारपीट की गई और गर्भवती होने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 4 बच्चों के बाप और 4 बीवियों के शौहर अब्दुल्ला ने अमन चौधरी बनकर 17 साल की किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसके साथ रेप किया। मेरठ के शमशाद ने नाम बदलकर प्रिया गुजर और उसकी बेटी कशिश को अपने साथ रखा और बाद में मारकर घर में ही दफना दिया। देश के कोने कोने से ऐसी अनगिनत खबरें हैं जो ये साबित करती हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये कितना विकराल रूप लेता जा रहा है और हमारे समाज की भोली भाली बेटियों, बहनों को अपनी साजिश का शिकार बना रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो लव जिहाद का पूरा नेक्सस ही देखने को मिला। कानपुर की जूही कॉलोनी के कई लड़के पिछले कुछ ही दिनों में कई लड़कियों का धर्मांतरण करा चुके हैं। शाहरुख नाम के 2 लड़के 2 सगी बहनों को लेकर फरार हो गए। इसी कॉलोनी के मोहसिन खान ने खुद को समीर बताते हुए एक लड़की से दोस्ती की और फिर उससे शादी की। वहीं उसके दोस्त आमिर ने मोहसिन की पत्नी की छोटी बहन के साथ दोस्ती कर ली। कानपुर में चल रहे इस गोरख धंधे की जड़ तलाशने के लिए योगी सरकार ने पहल करते हुए एक SIT का गठन किया है, जिसके बाद SIT ने ऐसे 17 मामले की फिर से जांच शुरू कर दी है और SIT की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। जांच कर रही SIT के अनुसार कानपुर में चल रहे इस धर्म परिवर्तन के रैकेट के पीछे पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी का हाथ है। न सिर्फ शहर की कई मस्जिदों पर इस संगठन का प्रभाव है, बल्कि ये संगठन लव जिहाद से जुड़े मामलों की फंडिंग भी करता है। इतना ही नहीं, योगी सरकार इस पूरे लव जिहाद के रैकेट को देखते हुए अब राज्य में एक सख्त कानून बनाने की तैयारी में भी है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों के धर्मांतरण के खिलाफ बने कानूनों और अधिनियमों की स्टडी की जा रही है। इसके बाद धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश का अपना कानून बनाया जाएगा। देश में 2-4 लिंचिंग के केस पर पूरे देश को लिंचिंग स्थान बताने वाले कांग्रेसी और लिबरल इन अनगिनत मामलों पर योगी सरकार की तरह कोई राष्ट्रव्यापी कठोर कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते? प्रेम करने की आज़ादी, शादी करने की छूट, धार्मिक स्वतंत्रता से शुरू होने वाली ये बहस अक्सर धर्मांतरण के लिए हिंसा, ब्लैकमेलिंग, रेप और हत्या तक पहुंच जाती है, लेकिन भारत के तथाकथित नारीवादी रोज छपने वाली इन खबरों के विरोध में एक आवाज़ नहीं निकालते। आतंकियों तक के मानवाधिकार की बात करने वाले लिबरल इन बच्चियों के साथ होने वाली हैवानियत पर एक ट्वीट तक नहीं करते। ऐसे में क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी बेटियों को इस विषय में बताएं, ताकि वो नाम बदलकर शिकार पर निकलने वाले इन भेड़ियों का शिकार होने से बच सकें।